शनु, शनु, तानिया ने खाना खाया या नहीं? क्या हो गया शनु? नजर लगाएगी मुझे, क्या सोच रही है? भाई मैं नहीं बोल रही, क्योंकि मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मैं तो बोलती रहती हूँ। वैसे ही मैं बदनाम हूँ कि मैं इधर की उधर करती हूँ, तो बेहतर है कि मैं चुप ही रहूँ। चुप रहना तेरे बस की बात नहीं है, इतनी कंफ्यूजन में क्यों आई हुई है बता? मैं भी टेंशन में हूँ। नहीं और कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि देखे ना कितनी गलत बात है, किसी ने एक दफा भी ना रिश्ता तय करने से पहले दानिया बीबी से एक बार उनकी राय मांगी, ना ही रिश्ता खत्म करते वक्त एक बार भी किसी ने उस बेचारी बच्ची के बारे में सोचा। शादी खत्म वतम नहीं हुई, एहसान साहब ने ना सिर्फ मुलतवी की है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक हो जाना है, आपने खुद देखा है ये रूहान साहब की अम्मा का रवैया, वो तो जाते जाते सब कुछ खत्म करके गई हैं। आपके सामने की तो बात है, एक निवाला तक खा के नहीं गई। और तो और गाड़ी में बैठते वक्त उन्होंने जो जो बातें बोली है ना, वो तो सिर्फ मैं नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। क्या सुना है तूने? मैं नहीं बता रही भाई, इतनी बुरी बुरी बातें बोली मुझसे नहीं बोली जाएंगी। तू बताती है या मैं? देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। ये सारी बातें उनके बेटे ने भी सुनी है, उनके शौहर ने भी सुनी है। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे वो गालियां वालियां देकर गए हैं। चल बता सीधी तरह से। अच्छा सुनो मैं बताती हूँ। वो ये कह रही थी कि फिल्मी लोगों से और तवक्को ही क्या की जा सकती है। और एहसान साहब के बारे में पता है क्या कह रही थी? कि एहसान साहब ने अपनी बीवी को लटका के रखा हुआ है, ना तलाक देते हैं ना अपने घर में लेके आते हैं। और तो और एक और बात कही उन्होंने, ये कि एक गैर शादीशुदा औरत को घर में रखा हुआ है। अस्तगफुरुल्लाह, मेरी वजह से एहसान साहब और माँ जी पे इल्ज़ाम आए, ये मैं होने नहीं दे सकती। मैंने आज ही निकल जाना है इस घर से, जाने से पहले लेकिन पूरा हिसाब किताब करके जाऊंगी उस औरत के साथ।